लुका छुपी की सक्सेस का पूरा क्रेडिट कार्तिक आर्यन को देने से नाराज हैं कृति सनन। पिछले महीने रिलीज हुई लक्ष्मण रोटेकर की फिल्म लुका छुपी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। कॉमेडी ड्रामा को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही काफी पसंद किया। लुका छुपी में कार्तिक आर्यन, कृति सनन लीड रोल्स में थे। फिल्म में कार्तिक की एक्टिंग को काफी तारीफ मिली, साथ ही कृति को भी काफी पसंद किया गया। लेकिन लुका छुपी की सक्सेस का सारा क्रेडिट कार्तिक आर्यन को मिलने से कृति काफी नाराज चल रही है। एक इंटरव्यू में कृति ने कहा, लीडिंग एक्ट्रेस की अनदेखी का ये कारोबार काफी समय से चल रहा है और ये बहुत गलत है। मुझे खुशी है कि आखिरकार इस पर बातचीत हो रही है। अगर फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो केवल मेल एक्टर के बारे में बात करना फिर भी जायज है, लेकिन जब दोनों एक्टर्स ने अपने कंधों पर किसी फिल्म को चलाया हो तो क्रेडिट भी बराबर रूप से मिलना चाहिए। हर कोई क्रेडिट के काबिल है। कृति ने बॉलीवुड में जेंडर के हिसाब से मिलने वाली सैलरी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें एक्ट्रेसेस को उनके को एक्टर्स के कंपैरिजन में कम सैलरी मिली है। मेरा मानना है कि सैलरी का दो चीजों के साथ तालमेल होना चाहिए, पहला फिल्म में आपके रोल का और दूसरा दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने की क्षमता। पास्ट में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब एक्ट्रेसेस को उनके एक्टर्स से अधिक पे किया गया है। मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी एक फिल्म को करने का रीजन नहीं। स्क्रिप्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताते चले कि कृति को बॉलीवुड की नई पीढ़ी में बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। इनकी पिछली भी कई फिल्में काफी पसंद की गई हैं, लेकिन अब सारे फैंस को कृति की अपकमिंग फिल्म पानीपत का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में कृति अपने रोल के लिए काफी मेहनत भी कर रही हैं, इवन वो तलवारबाजी भी सीख रही हैं और काफी ज्यादा वो अपने रोल में ढलने की कोशिश भी कर रही हैं।